अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी दुआ अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब जल्दी जल्दी ब्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू जाएँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो थम्स अप भी दे दीजिएगा। मैं जनाब तैयार क्या हुई हूँ, बस लाइट से ऐसे नए कपड़े पहने हैं तो जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ। उधर है हमारी दावत, मेरा बड़ा भाई आया सऊदीया से तो उन्होंने हमें खाने में बुलाया, तो सब बहनों की वहाँ दावत है तो हम लोग जा रहे हैं उधर। उसके लिए ड्रेस ये मैंने वही पहना है, ये देखें, जो मैंने अपने ससुराल गई थी तो पहना था, तो आज फिर मैंने ये नई न्यू ड्रेस है मेरा, तो इसलिए आज फिर मैंने यही पहन लिया है। तो हम लोग जा रहे हैं उधर, उधर जाकर आप लोगों से होगी मुलाकात। ठीक है, चलती हूँ मैं, चल के दिखाती हूँ आपको बाकी बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो जी जनाब, शेखपुरा से आने के बाद माइंड काफ़ी फ्रेश हो गया है इस दफ़ा। वहाँ हम 2-5-6 दिन छुट्टी गुजार के आए हैं तो परमिशन हो रही थी यहाँ पर रेडी, बाकी बच्चे सब रेडी हो चुके हैं, आसम साहब भी रेडी होकर हमारा वेट कर रहे हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद मैं मिलवाती हूँ आपको फजर से, वो भी तैयार होकर वेट कर रही है हमारा। बहरहाल में बहुत अरसे बाद मेरे ब्लॉग में आपको फजर नज़र आई होगी, बहुत टाइम बाद। पूछ पूछ के देखने वाले भी थक गए हैं सारे हमारे, जो इतना प्यार करते हैं लोग ब्लॉग्स देखते हैं। तो ये देखेंगे माशाल्लाह, चले ये देखें, सब तैयार हो गए हैं, बस अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि देर हो जाएगी फिर हमें एक फोटो। तो जी हम लोग निकल पड़े हैं घर से अपनी अम्मी की तरफ जाने के लिए। अम्मी के घर जाने की एक्साइटमेंट और खुशी अपनी जगह, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। और अपने बहन भाइयों से मिलने का जो चाव और खुशी होती है वो एक अलहदा है। मैके के घर की खुशबुएं जो हैं, वहाँ का गुजारा हुआ वक्त और अपने बहन भाइयों के साथ गुजरा हुआ बचपन इंसान कभी नहीं भूलता। मेरी तो हालांकि अम्मी सौतेली हैं, मेरी अपनी अम्मी की बहुत छोटी थी हम लोग जब उनकी डेथ हो गई, मगर मैं उनके होने का एहसास आज भी उधर फील कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे कभी वो मुझे वहाँ बैठी हुई नज़र आ रही हैं, कभी वहाँ बैठी हुई। तो बहरहाल दिल बहुत खुश होता है और अच्छा एहसास होता है। तो जी जनाब, बड़ा भाई है ना तो हमारी दावत की है, हम खाना खाने जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है। ज़ाहिर है अपने बहन भाइयों से मिलना आज यहाँ वहाँ सब, फिर बहनों से भी हमारी मुलाकात मेरी हो जाती होती है। जब कभी ऐसा मौका हो अम्मी के घर जाना हो तो फिर उनसे मुलाकात होती, तो बड़ा बंदा एक बार फिर कोई 2-4 महीने बाद फ्रेश हो जाता है जब जब वहाँ जाना हो। ठीक है, बेशक हमारी अपनी माँ नहीं है, मगर ये है कि मैका तो मैका ही होता है। ठीक है, तो चलिए जी पहुँचते हैं वहाँ उनके घर भी। थोड़ा सा कोशिश करूँगी इसको छोटा मोटा आपको जल्दी से बनाएगी बनाऊँगी वीडियो, लेकिन वो पीछे आसम साहब भी पहुँच गए हैं। हाँ जी, ससुराल के घर जा रहे हैं आज, उनको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है ज़रा भी। ये है जी अम्मी वगैरह के घर की गली। ठीक है, और वो है मेरी अम्मी वगैरह का घर। ठीक है, चली जा। उफल्ला, इतना एंटर होते ही अभी मैं मिली रही थी सबको, तो सब ने अपने अपने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी और सबका शिकवा तकरीबन जो कॉमन था वो एक ही ये शिकवा था कि आप आती नहीं हो। ठीक है, मिली नहीं हो, काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप इधर नहीं आती, आप हमारे घर नहीं आती, तो सब मिल रहे थे और बहुत मज़ा कर रहे थे। भाई ने अपना शोर डाला हुआ। ठीक है, तेरे इन पेट की स्पेशल बनाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना लग गया है। मटन बनाया हुआ था उन्होंने, मटन की देग बनवाई हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे अपने बहन भाई ही इकट्ठे हो जाएं तो काफ़ी सारे लोग बन जाते हैं। तो उन्होंने खैर जी
खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का था। कोल्ड ड्रिंक्स ही साथ, सालन था और साथ नान थे, और साथ उन्होंने बनवाया था मतंजन। ठीक है, खाना शाना सब खा चुके थे, बड़ी भाभी बना रही थी अब चाय। तो जैसे ही चाय आती है फिर हम लोग चाय इंजॉय करेंगे। तब तक मैं देख रही थी कि बच्चे माशाल्लाह भतीजे भतीजे हैं घर में, तीन मेरे भाई हैं और तीनों के बच्चे हैं सबके, किसी के तीन हैं किसी के दो हैं, दो के दो दो हैं और एक के तीन हैं, एक के चार हैं खैर से। तो माशाल्लाह बच्चों ने शोर शराबा मचाया हुआ था, कोई एक दूसरे को मार रहा था, कोई दौड़ रहा था, कोई भाग रहा था। खैर हैं जी मेरी भांजियाँ, मेरी छोटी सिस्टर उनके बेटे, और ये मेरी मुंतहा, मेरी शहजादी, ये है मेरी भतीजी मुंतहा रानी, ये मेरी लाडो, ये सबसे छोटा भाई है उसकी बेटी। हाँ जी हमारे घर आई थी आप, हाँ जी ये देखें, ये है जी मेरी मुंतहा, ये मेरा सबसे छोटा भाई है ना उसकी बेटी है, बड़ा प्यारा काका है। ठीक है, और ये है मेरी छोटी सिस्टर उनकी बेटी है। बस्तियां देख ले बच्चों की, थोड़ा पीछे 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 होके लाते नजर भी आए। माशाल्लाह तीनों भाई मेरे एक ही फैमिली में, एक ही घर में रहते हैं। भाभियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हैं मेरी तीनों भाभियाँ। ये तीनों भाभियों के बच्चे हैं, और आप बच्चों के आपस में मिल बैठने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपस में उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलूक है, बहुत प्यार है।